एक छोटी सी बात अगर पति कहते हैं या एक छोटी सी कड़वी बात पत्नी कहती है तो दूसरे दिन इस प्रकार का व्यवहार करते हैं कि ये एक दूसरे से छुट जाए, बिछुड़ जाए, ऐसा कैसा हो सकता है? क्या ऐसे शिक्षा देने की आवश्यकता, इसका गुरुतर आभार समाज पर नहीं है? और समाज के लोग समझते हैं मुझे बीच में जाने की क्या जरूरत है, मुझे बताने की क्या जरूरत है? अगर कोई गड़बड़ हो जाए पुलिस स्टेशन चलेंगे तो मुझे भी घूमना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी अनावश्यक भार को सिर पर क्यों ले, इस प्रकार डर रहे हैं। अगर बुरा आपको दिखाई पड़ा, बुरा को दबाने का प्रयत्न कीजिए, धैर्य के साथ कहिए क्या तुम्हारी गलती है, ये तो समझेंगे कम से कम मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा निर्णय अंतिम निर्णय नहीं, मेरे अतराफ मैं एक समाज में हूँ, उस समाज का जितने मुँह है उतनी बातें होते हैं, क्या उन बातों से डरते नहीं, किसी की परवाही नहीं करते, समाज की परवाही नहीं करते, तो ये गलत है। नहीं नहीं नहीं, मेरा कहना है बंधु, मैं बात बताना तो नहीं चाहता हूँ कि विचारों में काफ़ी परिवर्तन लाए तो फिर सुंदर हमारा समाज, आज भी सुंदर है, कोई बिगड़ा नहीं, मगर अधिकतर लोगों में विवाह का व्यवस्था है, विवाह का प्रबंध है, विवाह हो जाएगा, विवाह विवाह है, मेरा व्यवहार ही, ये नहीं। कारण आत्मविश्वास, गर्व, आवश्यकता बढ़ से बढ़ाकर स्वतंत्रता, समाज, माता पिता, अगर एक कड़वी बात कहे तो बच्चे भी बिगड़ जा रहे हैं, माता पिता को कड़वी बातें सुनाते हैं, ये गलत है। तो इस सबसे बड़ी बात यह है कि समिष्टि जीवन में किसी न किसी एक व्यक्ति से डर कर, बुरे काम करने से डरते थे, आज समिष्टि जीवन की ओर दृष्टि कम होती जा रही है, व्यष्टि जीवन, हम ही, हम दो, हमारे एक या दो, बस उतना ही, जिससे क्या हो रहा, बंधुओं के बीच, परिवार के सदस्यों के बीच जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम धीरे धीरे घटता जा रहा है। एक भाई को भाई नहीं समझना, चचेरे भाई, चचेरे भाई हो कोई ना को हो, भाई का नाता जुड़ा तो कितने प्रेम से व्यवहार करते थे भाई समझकर, आज खास भाई से प्रेम नहीं कर रहा, इस काल को बुरा कहेंगे या हम अच्छा कहेंगे, ऐसे बहुत सारे विषयों को देखना पड़ेगा। तो इस कारण मुख्य रूप से दंपति के बारे में मेरा कहना है, कल्याण रेखाओं कैसी भी क्यों ना हो, अच्छे विचारों से ब्याह कर ले, अच्छा दाम्पत्य सुख भोगे, अच्छे पुत्रों को जन्म दे, लड़ते हुए पति पत्नी के लिए सुंदर बच्चे पैदा नहीं होते हैं, लड़ते ही हैं। अगर बच्चों की दृष्टि में आप लड़ते हुए देखेंगे तो वो भी समझता है बच्चा का लड़ना हर पुरुष का धर्म है, अपनी पत्नी से भी लड़ेगा, आपका भाग्य बुरा होना ही नहीं, बच्चे के भाग्य को भी आप बुरा बना रहे हैं, किसी एक बेकार काम, कहीं कुछ गलती करनी है या कुछ कड़वी बोलनी है तो कृपया बच्चों के सामने मत कीजिए, एक बुरी आदत है आप में, ठीक है, स्वीकार करते हैं कि आदतें बुरी नहीं होनी चाहिए, कभी कभी हो जाती है बचपन से ही, उस आदत को नहीं छोड़ते हैं, कम से कम उस आदत को उनके सामने प्रकट मत कीजिए, यानी बताइए मत, इस कारण बुरे काम को ऐसे स्थान पर, यानी बहुत बुरे काम को नहीं कर रहा हूं, कोई ना देखे ऐसा कहना नहीं, उतनी बुरी आदतों को नहीं, छोटी मोटी बुरी आदतें होती हैं तो दूसरों से आंख बचाकर कीजिएगा ताकि समाज पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज सरकार के नियम है, आज बहुत सारे नियम है कि चौरास्ते में या जहां जन जीवन बहुत है वहां सिगरेट न पिए, कितने लोग इसका पालन कर रहे, करना पड़ेगा कि उसका प्रभाव उनके आरोग्य स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। अरे सरकार जिन नियमों को रखती है उसका गौरव कीजिए, सरकार का गौरव करना हमारा धर्म है, समाज जो, सरकार जो भी काम करती है, प्रभुता जो भी काम करती है सब समाज की भलाई के लिए। सरकार क्या कहती है, 18 साल के बाद विवाह ही कर लीजिए क्योंकि पक्वता आ जाती है, 21 साल के बाद ही पुरुषों को विवाह करना चाहिए, ये नियम है। मगर इससे भी आगे चलकर आजकल के बच्चे क्या सोच रहे हैं,
पहले नौकरी करे 25 साल हो, 29 साल हो, 35 साल तो, जब तक पक्की नौकरी नहीं लगेगी तब तक विवाह ही नहीं कर लेंगे। 35 साल को या 40 साल को विवाह कर लेंगे, बात के भविष्य के बारे में भी एक प्रश्न कर लीजिए कि इस इतने साल के बाद विवाह करने के बाद संतान की क्या परिस्थिति होगी। सृष्टि तो आपका धर्म है ना, सृष्टि धर्म पर मत सोचिएगा, भविष्य चाहिए ना, आपकी एक प्रतिनिधि तो चाहिए ना, सुंदर प्रतिनिधि चाहिए ना। मामूली से नौकरी बड़े छोटे वेतन पर एडजस्ट हो जाए। आजकल के लड़कियां पूछ रही है कि क्या वेतन है आपका, 40,000 में क्या जी सकते हैं, फैशनेबल कैसे रह सकते हैं, लग्जरियस कैसे बीत सकते हैं। यानी 60,000 कमाने तक अब यूं ही अपने आयु को बिताते हैं। एक के दुख के डजन व्यक्तियों को अगर वापस कर देंगे, एक बुरा समय ऐसा भी आएगा कि पुरुष हो तो बस मैं शादी कर लूंगी बोलेगी, को वैसे नौबत में क्यों जाए। तो विवाह के लिए इतनी समस्याएं आ रही बहुत सारे प्रांतों में, तो उनसे बचाने के लिए इतना लंबा चौड़ा मुझे बताना पड़ रहा कि समय को व्यर्थ करना नहीं है। मैं सभी बंधुओं से यही प्रार्थना करता हूँ को समाज को सुंदर बताइए। आप अपने परिवार के सदस्यों को, मुख्य रूप से अपने पुत्रों को पुत्रियों को एक ऐसी शिक्षा दीजिए, एक समय लीजिए उनके लिए कि एक सुंदर पति को कैसा होना चाहिए, सुंदर पत्नी को, सुंदर का मतलब सुंदर व्यवहार, अच्छा व्यक्तित्व, मानवता हो। दानवता कुछ ठीक नहीं है, मानवता से किस प्रकार, गलतियां तो हर किसी से होती है, गलती होना गलती नहीं, दोबारा वो गलती हो ना पाए, दोष करना दोष नहीं, दोबारा वो दोष किया गया तो बुरा है ना, दूसरे बार भी माफ कर देंगे, तीसरे बार चौथे बार, वो आदत पड़ जाएगी आपकी। तो इस कारण ऐसी बहुत सारी समस्याएं आ रही है। व्यस्ती जीवन होने के कारण ये हो रहा कि थक कर आ रहे हैं, सुखी नहीं है, आपस में प्रेम से नहीं रहते, आते हैं 9 बजे बस कुछ ना कुछ पका लेते हैं या बाहर से ला लेते हैं, खाते हैं, 10 बजे तक सो जाते हैं बस। अब एक प्रश्न हम भी कर लेंगे कि वे क्या सुखी रह सकते हैं, कैसे सुखी रह सकते हैं। घर आने पर भी चुप रहते थोड़े, घर में भी फोन बजते रहते, फोन आविष्कार है, स्वागत करेंगे, इस आविष्कार को बस छोटी सी बात, कभी कभी गाने भी गाते हैं सेल में, क्या करेंगे हम, बस उसी से टीवी है, बीवी है, बीवी मुख्य है, टीवी मुख्य हो गया, बीवी को बाजू में रख रहे। नहीं नहीं भैया, काफ़ी परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, वरना एक समय समाज हमारे बीच गली में या बीच बाजार में खड़ा होकर प्रश्न करेंगे, कहते आप अपने बच्चों को क्या तालीम दी है, क्या शिक्षा दी है, कैसे अच्छे बनाए हैं आप। माता पिता घर में रहते हैं, एक हॉकी लेकर या कोई स्टिक लेकर रात के 12-1-2 बजे तक फिरते हैं, क्या इसके लिए कोई बागडोर नहीं है संभालने के लिए, माता पिता का धर्म नहीं है। वैसे लोगों की शादी हो जाए तो वैसे कैसे व्यवहार करेंगे, एक प्रश्न हर माता पिता को सोचने की जरूरत है। तो आखिर हम भी तो हम माता पिता हैं ना किसी के, तो इतने विषयों को देखकर माता पिता की शिक्षा को प्राप्त कर, अपने अनुभव को मिलाकर अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, इक्के दुक्के बुरे चिन्ह होते हुए भी अच्छे विचारों को, बुरे को हम अच्छा कर ले सकते हैं, क्योंकि हम अपने भाग्य को लिख सकते हैं। इतना लंबा चौड़ा बताना पड़ रहा, अगर यहाँ कोई किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा गुणक चिन्ह कहीं की दिखाई पड़ी है, बड़ा समझिए, अरे सुंदर चिन्हों का स्वागत कीजिए, बहुत बड़ा सुंदर चिन्ह है, चाहे माने कोई न माने, पूरे हथेली के शुक्र स्थान में इतना बड़ा न होने पर भी बहुत बड़े यानी आकार में एक कैंची दिखाई पड़े, तो विश्वास कीजिए आधुनिक काल में भी वो रामा अवतार है, विश्वास कीजिए, बस दूसरी स्त्री की ओर आंख उठाकर नहीं देखा, देखेगा वो कितना सुंदर है। ऐसे चिन्हों पर ध्यान दीजिएगा, बुरे चिन्ह बता रहा हूं डराने के लिए नहीं बंधु, अच्छे विचारों को, अच्छे विचारों के बारे में सोचने के लिए, अच्छे विचार लाने के लिए कह रहा हूं,
बुरा बताना मेरा कहना नहीं है, ठीक है।